हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग चेंग को सब कुछ पता चल गया एंड उसने वुईंग को वार्न की कि उसे वैम्पायर से दूर रहना चाहिए। एंड वुईंग ने भी उसको प्रॉमिस किया कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो लंजा से मिलना बंद कर देगा। हालांकि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा क्योंकि उसे लंजा से मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। अब फिफ्थ टाइम था जब लंजा उससे ब्लड ले रहा था, जो कि फोर्थ टाइम के दो दिन बाद ही हो रहा था। इस बार लंजा ने बहुत ही जल्दी कर दी, वुईंग को हील होने के टाइम भी नहीं मिला। नॉर्मली लंजा एवरी अपॉइंटमेंट के बीच में 5 डेज का गैप रखता है एंड वो हमेशा वुईंग के दोनों हाथों को अल्टरनेट कर लेता है एंड वो बाइट्स यूजुअली हर्ट नहीं करता, बट इस बार ये थोड़ा पेनफुल था। बट वुईंग रिफ्यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसने लंजा से प्रॉमिस की है स्टील का एंड वो प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता। सो उसको इस पेन को सहना होगा। एंड वंस अगेन वुईंग फिर से लंजा के रूम के बाहर खड़ा था। उसके स्टमक पे बटरफ्लाई उड़ रहे थे। वो दरवाजे पे नॉक किया, तभी दरवाज़ा अंदर से खुल गया। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसको देख के वो शॉक्ड ही हो गया था। वो आदमी थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। देन वो आदमी उसको पास करके वहां से चला गया। लंजा ऑफिस के अंदर ही बैठा था उसके चेयर पे एंड वो कुछ सोच रहा था। उसको पता भी नहीं था कि वुईंग नर्वसली दरवाजे के पास खड़ा है। तभी वुईंग ने हेजिटेंटली कहा, सर। तभी लंजा वुईंग की तरफ देखा और कहा, गुड इवनिंग वुईंग। देन वो फिर से अपने थॉट्स में वापस चला गया। वुईंग को ये बात बहुत ही अजीब लगा। उसने कहा, इवनिंग सर। देन वो धीरे धीरे रूम के अंदर आया एंड दरवाजे को बंद कर दिया। उसने कहा, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया अभी। तभी लंजा ने कहा, नहीं। वो अभी भी अपने थॉट्स में था। उसने कहा, मेरे अंकल जा ही रहे थे जब तुम यहाँ पर आए। वुईंग तो क्यूरियसली पूछा, वो आपके अंकल थे? वो सरप्राइज था ये सोच के कि वैम्पायर्स के अंकल भी होते हैं। हाँ, उसे पता है कि वैम्पायर्स के जन्म भी होते हैं एंड मृत्यु भी, बट फिर भी उनके अंकल भी होते हैं एंड अंकल के वजह से वैम्पायर सैड भी है। ये सोच के उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी लंजा ने कहा, देन वुईंग ने कहा, वो थोड़ा डरावने दिख रहे थे। मुझे लगता है अगर वो अपने बैड मूड पे आ गए तो वो और भी डरावने दिखेंगे। तभी लंजा ने शाय किया और कहा, वो बहुत ही सीरियस इंसान है। तभी वुईंग ने कहा, आप भी हो बट आप स्केयरी नहीं हो, क्योंकि सच में वुईंग को बिल्कुल भी लंजा से डर नहीं लगता। तभी लंजा ने कहा, मैं अपने बड़े भाई से तो स्केयरी हूँ। अब वुईंग को थोड़ा हंसी आई। देन वो सरप्राइज्ड भी हो गया कि सामने वाला इंसान उससे अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा है जैसे कि वो दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त हो। तभी वुईंग ने कहा, मुझे आइडिया नहीं था कि आपका भाई भी है, मेरा भी है बट मुझसे छोटा है और हम दोनों में से वो ही डरावना है। तभी वुईंग ने रियलाइज़ किया कि लंजा बिल्कुल भी फ्रेंडली कन्वर्सेशन के मूड में नहीं है। देन उसने सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, एनीवे मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी आप मुझे लास्ट टाइम के बाद इतनी जल्दी बुला लोगे, क्या आपको ब्लड चाहिए? लंजा ने कहा, मैंने तुम्हें ब्लड के लिए नहीं बुलाया। वो बात तो कर रहा था बट फिर भी वुईंग की तरफ देख नहीं रहा था, अपने थॉट्स में ही था। तभी वुईंग सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, आपने उसके लिए नहीं बुलाया? देन किस लिए बुलाया? तभी लंजा ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था। ये सुन के वुईंग के हार्ट बीट रुक गया था। उसने कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या सब कुछ ठीक है? तभी लंजा ने कहा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया बट तुम्हारे प्रेजेंस मुझे बहुत ही काम फील होता है। अब वुईंग बहुत ही कन्फ्यूज हो गया था। कुछ देर के लिए तो ये लगा था शायद उसने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से लंजा अपसेट है, या फिर लंजा उससे बोर हो गया है एंड किसी और को ढूंढ लिया है जो उससे भी बेटर है। तभी वुईंग ने कहा, ओह क्या कुछ हुआ है? क्या आपने अपने अंकल के साथ आर्ग्यू किया है?
जब वो ऑफिस के बाहर जा रहे थे तब बहुत ही गुस्से में दिख रहे थे। लंजन ने फाइनली विंग की तरफ देखा एंड बहुत ही डेंजरसली देखा। तभी विंग ने कहा, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला तो। तभी लंजा के आईज सॉफ्ट हो गए। उसने कहा, नहीं तुमने कुछ गलत नहीं बोला, मेरे अंकल कभी कभी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। तभी विंग हेजिटेंटली कहा, क्या आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं? वो श्योर नहीं था कि वो लांगवांग जी को कोई भी गुड एडवाइस दे सकता है या नहीं, या फिर वो गुड लिसनर है, उसे खुद भी नहीं पता था। तभी लंजा ने कहा, नहीं। देन वो अपने डेस्क से खड़ा हुआ। तभी विंग ने अपोलॉजी की और कहा, ओ राइट श्योर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी उसको अपने आंट की बात याद आ गई कि हमेशा अपने काम से काम रखना, और वैसे भी लांगवांग जी की तरह इंसान उससे क्यों अपनी बातें शेयर करेगा? शायद उसके बहुत ही एक्सपेंसिव थेरापिस्ट होंगे, या फिर रिच और इंटेलिजेंट दोस्त जो उसको अच्छा एडवाइस दे सकता है, ना कि विभूषण की तरह इंसान। तभी लंजा ने कहा, मैं अपने पर्सनल मैटर्स को डिस्कस करना पसंद नहीं करता। देन वो फिर से अपने चेयर पे बैठ गया और अपने लेदर बुक को ओपन कर लिया। तभी विंग ने कहा, राइट ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ। वेल क्या कुछ है जो मुझे करना है, कोई काम है मेरे लिए? उसे लग रहा था कि जैसे लांगवांग जी उसको किसी काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। तभी लंजा ने नोट की और कहा, उस चेयर पे जाके बैठो। उसने उस चेयर को पॉइंट की और कहा, प्लीज़। विभूषण भी बैठ गया। वो चुपचाप बैठा हुआ था एंड कभी कभी लांगवांग जी की तरफ देख रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसकी तरफ ना देखे, और तभी लांगवांग जी ने उसकी तरफ देखा और विंग ने अपनी आंखें घुमा ली विंडो की तरफ। लांगवांग जी के विंडो से पूरा शहर दिख रहा था। कुछ टाइम बाद तब विंग बहुत ही बोर फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो लांगवांग जी से पूछे कि क्या वो किसी बुक को पढ़ सकता है। तभी उसने नोटिस की कि विंडो के रिफ्लेक्स से लांगवांग जी उसको देख रहा है। तभी उसने पूछा, क्या हुआ सर, क्या आप अभी भी अपसेट हैं? तभी लांगवांग जी ने कहा, नहीं मैं कभी भी अपसेट नहीं होता। बट वो विंग को देख ही जा रहा था। तभी विंग ने कहा, बट आप अभी भी डिस्ट्रैक्ट लग रहे हो, अब श्योर होना कि मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता किसी भी तरह से? तभी लंजा ने कहा, हाँ मैं श्योर हूँ। तभी विंग ने कहा, क्यों ना आप थोड़ा सा ब्लड ले ले, क्या ये हेल्प हो सकता है? तभी लंजा ने आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हुए कहा, नहीं। देन विंग उसके पास गया और कहा, क्यों नहीं? तभी लंजा ने कहा, तुम अभी भी हील्ड नहीं हो। देन फिर से लंजा अपने नोट्स को लिखने लग गया, ये सोच के कि शायद अब विंग उसको ऐसे परेशान नहीं करेगा। बट विंग भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो लंजा को चीयर्ड अप करना चाहता था। उसने स्माइल की और कहा, इट्स ओके। वो वाला वाइट मेरे लेफ्ट हैंड पे है जो ऑलमोस्ट हील्ड हो चुका है, और मुझे पेन भी फील नहीं हो रहा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये बोल के उसने अपने स्लिप्स को अप किया एंड अपने हाथ को लांगवांग जी के नोज की तरफ ले गया। वो श्योर था अगर लांगवांग जी स्मेल करेगा तो वो अपने कंट्रोल खो देगा। तभी लंजा ने वार्निंग की और कहा, विंग। विंग माफी मांगने ही वाला था कि लंजा ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम कोई और लोकेशन प्रेफर करते हो? ये बोल के वो खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ बढ़ने लगा। एंड विंग नीचे गिरने ही वाला था कि लांगवांग जी ने उसको पकड़ लिया। लांगवांग जी ने उसको वेस्ट से पकड़ लिया। विंग ने लंजा के ऐसे स्ट्रेंथ, ऐसे एटीट्यूड पहली बार देखा है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी लंजा ने लो वॉइस में कहा, अगर तुम्हारे प्रेफरेंस में कोई और प्लेस नहीं है, देन अगर मैं तुम्हारा नेक पे बाइट करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? लंजा के ऐसे लो वॉइस सुन के विंग के हार्ट जैसे बीट होना फास्ट हो गया था। उसका माउथ जैसे ड्राई हो गया था। उसने कहा, मेरे नेक में? बट क्या होगा अगर किसी ने वो बाइट देख लिया तो? लांगवांग जी एलिगेंटली अपने फिंगर को विंग के नेक एंड शोल्डर के बीच में सहलाता रहा और कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बाइट करूँ तो किसी को भी नहीं दिखेगा। लंजा के टच से एंड इसी वॉइस से विंग के जैसे गुजबम से आ गए थे। उसने कहा, ओके आप कर सकते हो।
लंचर ने फाइनली अपने हाथों को विंग के वेस्ट से हटा लिया एंड कहा, प्लीज अपना शर्ट को रिमूव करो। पहले तो विंग शॉक्ड हो गया, देन उसने कहा, ओ श्योर। देन वो अपने कपकपाते हुए हाथों से शर्ट के बटन को खोलता रहा। देन वो अपने शर्ट को रिमूव करके अकवर्डली फोल्ड करके डेस्क के ऊपर रख दिया। लांग वांग जी उसकी तरफ ही देख रहा था। उसने कभी भी विंग को इस तरह से नहीं देखा था। लंजा के एक्सप्रेशन वाइल्ड हो रहे थे। वो विंग की तरफ बढ़ रहा था, उसका हार्ट बीट भी बढ़ रहा था एंड लंजा के आईज भी डार्क हो गए थे। वो विंग के बहुत पास था, जैसे कि विंग अब भी लंजा के लिप्स में किस कर सकता है। लंजा के माउथ बहुत ही सॉफ्ट एंड इनवाइटिंग लग रहा था। तभी विंग को याद आ गया कि उन दोनों की स्टेटस, क्लास, सब कुछ में बहुत ही डिफरेंस है एंड विंग को पता नहीं था कि ये वैम्पायर इन सब चीज़ों में कैसा रिएक्ट करेगा। उसे पता नहीं था कि वैम्पायर्स को किस करना पसंद भी है या फिर सिर्फ इंसान ही इसे पसंद करता है। एंड वो रियली इमेजिन नहीं कर सकता कि लांगवांग जी की तरह इंसान विंग को किस करेगा। इससे पहले वो और कुछ सोचता, लंजा विंग के शोल्डर्स को टच किया। देन उसने उन दोनों का पोजीशन को स्विच कर लिया। अब विंग का बैक डेस्क के तरफ था एंड लांगवांग जी उसका सामने था। अब लंजा विंग को कुछ कहे बिना ही विंग की तरफ लीन हो गया एंड उसके कॉलर बोन पे बाइट किया। जब भी लंजा के टीथ ने विंग के स्किन को टच किया, विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और वो मौन कर उठा, क्योंकि उसको बहुत प्लेजर फील हो रहा था। इससे पहले भी लंजा उसको रिस्ट पे बाइट कर चुका है एंड वो प्लेजर फील भी कर चुका है, बट इस बार की प्लेजर बहुत ही अलग ही फील हो रहा था। उसको बहुत ही बेटर फील हो रहा था। उसने रियलाइज भी नहीं किया कि उसका हाथ लंजा के शोल्डर्स पे आ गया एंड लंजा के हाथ भी मूव किया। एक हाथ विंग के वेस्ट पे था एंड दूसरा हाथ विंग के हेड के पीछे। वो विंग को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि विंग कहीं ना जा सके एंड विंग जाना भी नहीं चाहता था, कभी भी नहीं, स्पेशली तब जब लंजा उसको लवर की तरह पकड़ा हुआ हो। एंड ब्लड ड्रिंक करते वक्त वो उसके कानों के पास एक सॉफ्ट मोनिंग कर रहा था। इसके वजह से विंग और भी एक्साइटेड हो रहा था। और तभी लंजा ने अपने टांगों के साथ कुछ किया जिसके वजह से विंग अब बहुत ही हॉट फील कर रहा था। उसका प्लेजर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। लंजा अब उसके बहुत क्लोज आ चुका था। उन दोनों का बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रहा था एंड लंजा ने विंग को धीरे से डेस्क की तरफ पुश किया ताकि वो वहां से निकल न सके। अब विंग के हॉटनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी लंजा इस चीज को फील किया एंड वो फ्रीज हो गया एंड वो अलग हुआ। उसके माउथ के कॉर्नर से विंग का ब्लड विजिबल हो रहा था। विंग माफी मांगने की कोशिश किया। उसने कहा, शिट, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली मुझे बहुत गुड फील हो रहा था, पहले से भी ज्यादा। मैं आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। मुझे पता है कि आप सिर्फ ब्लड ड्रिंक कर रहे थे। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। तभी लंजा ने हंस के लिए कहा, मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं कि मैं भी सिमिलरली अफेक्टेड हूँ। देन उसने विंग के हाथों को अपने हाथों में ली एंड अपने बॉडी को टच किया। एंड विंग तो शॉक्ड ही हो गया कि लंजा का बॉडी बहुत हॉट है। देन लंजा ने विंग के हाथों को हटा लिया, जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि अब विंग उसको टच करने के लिए अलाउड नहीं है। जैसे कि लंजा के सेल्फ कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। एक्चुअली वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता था, वो सिर्फ लंजा को टच करना चाहता था। बट नहीं, उसको ये सब इमेजिन नहीं करना चाहिए। तभी विंग ने कहा, क्या ये आपके साथ हर टाइम होता है? तभी लंजा ने कहा, सिर्फ आज। अब विंग को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। उसने कहा, ओ आई एम सॉरी, बट ये मेरे साथ हर टाइम होता है एंड आज मैं तो अपना कंट्रोल ही खो चुका था, मुझे लगता है। तभी लंजा ने कहा, मुझे पता है। तभी विंग ने कहा, क्या मतलब आपको पता है? तभी लंजा ने कहा, मैं स्मेल कर सकता हूँ।
अब विंग बहुत ही शॉक्ड हो गया था एंड नर्वस भी। लंजा ये सब स्मेल कर सकता है, ये सोच के वो और भी हॉट हो रहा था। उसने पूछा, क्या आपने लास्ट टाइम भी स्मेल किया था? लंजा उसके पास ही खड़ा था। तभी लंजा ने कहा, हाँ। देन विंग ने कहा, एंड उससे पहले? लंजा ने कहा, तभी विंग ने कहा, आपको ऑकवर्ड नहीं लगता कि जब भी आप ड्रिंक करते हैं मैं हॉट फील करता हूँ, एंड आज तो आप भी? तभी लंजा ने कहा, आज तुम्हारा हॉटनेस की स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्गर था, इसलिए मेरे बॉडी भी रिएक्ट किया। तभी विंग को अपने आप से बहुत ही डिसगस्ट फील हुआ। उसने अपने हेड को शेक किया और कहा, आई सी। वो मनी मन में सोच रहा था, सामने वाला इंसान उसका लाइफ को सेव किया है उसके सारे कर्ज को चुका कर, एंड विंग उसको ठीक से खाना तक नहीं दे रहा था, उसके वजह से वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। वो सिर्फ लंजा को चीयर्ड अप करना चाहता था, बट उसने क्या मिस क्रिएट कर दी। उसने कहा, ये सारे मेरे फॉल्ट है, मैं ही इस चीज़ को ऑकवर्ड बनाया है, आई एम सॉरी। तभी लंजा ने कहा, माफ़ी मत मांगो, ये कोई ऑकवर्ड नहीं है, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। विंग तो शॉक्ड ही हो गया। उसने कहा, हेल्प? आप कहना क्या चाहते हैं? तभी लंजा ने अपने हाथ को विंग के जींस की तरफ मूव किया, एंड देन विंग के हार्ट बीट स्टॉप हो गया था लंजा के टच से। उसने कहा, आपका मतलब? तभी लंजा ने कहा, अगर तुम चाहो तो। विंग मन ही मन में सोच रहा था, उसको ना बोलना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि नहीं, वो ठीक है, वो अपना केयर कर सकता है, उसको अपना घर जाना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए कि सामने वाला इंसान उसका बॉस है, बट विंग अब डिनाई नहीं कर सकता अपना डिज़ायर को। तभी विंग ने कहा, देन प्लीज़ हेल्प मी सर। तभी लंजा ने स्माइल किया। विंग ने फर्स्ट टाइम लंजा को स्माइल करते हुए देखा था। लंजा और भी हैंडसम लग रहा था। ये देख के विंग और भी एक्साइटेड हो रहा था। तभी लंजा ने कहा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। देन वो विंग के बेल्ट को खोलने लगा एंड कहा, मैं आई। विंग को बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा था, वो कुछ कहने की हालत में नहीं था। लंजा ने फील किया कि विंग बहुत ही हॉट हो चुका है। उसने कहा, तुम बहुत ही हॉट हो चुके हो। तभी विंग ने कहा, वेल आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब आप। इससे पहले वो कुछ और कहता, उसको याद आ गया कि सामने वाला इंसान उसका वैम्पायर बॉस है। तभी लंजा ने फिर से स्माइल की। विंग ने लंजा को दो बार स्माइल करते हुए देखा। लंजा ने कहा, क्या मैं अब तुमको टच कर सकता हूँ विंग? तभी विंग ने इम्पैशनली कहा, हर छोटी चीज़ के लिए तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी लंजा ने कहा, क्या मैं हाँ समझूँ? अब विंग क्राई कर उठा और कहा, गॉड यस प्लीज़। तेन लंजा उसके पूरे बॉडी में धीरे धीरे टच करता रहा, एंड विंग बहुत ही मोनिंग कर रहा था। वो मोन करते हुए कहा, सर। तभी लंजा ने कहा, सर नहीं। विंग कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, क्या? लंजा ने कहा, सर नहीं, लंजा। विंग कुछ बोलने के हालत में नहीं था। उसने कहा, लन व्हाट? लंजा ने कहा, लंजा मेरे बर्थ नेम। तभी विंग ने रिपीट की, लंजा। एंड देन वे फिर से मौन करता रहा प्लेजर में। लंजा ने कहा, फिर से बोलो। तभी विंग ने कहा, लंजा प्लीज़ लंजा। तभी लंजा ने कहा, प्लीज़ क्या? तभी विंग ने कहा, प्लीज़ मुझे टच करो लड़ा गग्गा। ये वर्ड सुन के लंजा वाइल्ड हो गया। उसने विंग को डेस्क पे पुश किया, एंड देन वो उसके पैर को बाइट करता रहा। विंग स्क्रीम्स कर रहा था, पेन में नहीं प्लेजर में। विंग बहुत ही चिल्ला रहा था, पर लंजा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि वो जब भी विंग का ब्लड लेता है तभी विंग ऐसे ही मोनिंग करता है। एंड लंजा अपने चीज़ को कंटिन्यू रखा, वो एनिमल की तरह ग्रोर कर रहा था। उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया एंड अपना काम करता रहा।
एंड फाइनली वो अलग हुआ। उसने देखा कि उइंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे एंड उइंग के पूरे फेस में स्वेट हो चुका था। ये देख के लंजा अपने सेंस पे वापस आया एंड उसका डार्क आई फिर से नॉर्मल हो गया। वो धीरे धीरे उइंग से पूरी तरीके से अलग हो गया। देन वो टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू पेपर निकाला एंड उइंग के फेस को पोंछता रहा। उइंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले उसने लांगवांग जी को एक एनिमलिस्टिक लास्ट की तरह देखा था एंड अब लांगवांग जी बहुत ही पोलाइट है। उसने उइंग को पूरी तरीके से क्लीन कर लिया, देन उसको धीरे से खड़ा किया एंड उइंग को थोड़ा एम्बेरेस्ड फील हो रहा था। उसका पूरा एनर्जी भी जा चुका था। लंजा ने उसके बाइट मार्क को ड्रेसिंग की एंड फाइनली कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। तभी उइंग कन्फ्यूज हो गया। उसने कहा, आप जाओगे, आपका ड्राइवर नहीं? देन लंजा ने कोल्डली कहा, क्या तुम चाहते हो कि वो जाए? तभी उइंग ने कहा, नहीं नहीं थैंक यू लंजा। लंजा ने सिर्फ नोट किया। उइंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ क्योंकि उसे लग रहा था कि लंजा अभी उसको बोलेगा कि फिर से उसको सैर बुलाने के लिए, पर लंजा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लंजा बहुत ही साइलेंस था। अब उइंग को बहुत ही वॉरिड फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि क्या कुछ गलत हुआ है। उनका कार जर्नी भी बहुत ही अनकंफर्टेबल था। अपर क्लास डिस्ट्रिक्ट के होटल से उइंग के पुअर क्लास डिस्ट्रिक्ट के अपार्टमेंट तक जाने में 45 मिनट्स लगता है और लंजा ने इस पूरे वक्त में एक वर्ड तक नहीं बोला था। उइंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो फर्स्ट उसने ही कहा, वेल ये रहा मेरा अपार्टमेंट। उसे पता है कि लंजा जानता है उसका अपार्टमेंट कौन सा है। लंजा ने अपने कार को वहाँ पर ही खड़ा किया। उसने लंजा से पूछा तक नहीं कि लंजा को कैसे पता है कि उसका अपार्टमेंट कहाँ है। लंजा ने कहा, देन वो खिड़की से बाहर तक दिखना लगा, एक ऐसी बिल्डिंग को जो अब बन रहा है। देन फिर से साइलेंस था। तभी उइंग ने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, आप शायद शॉक्ड है थोड़ा सा क्योंकि आप पहली बार सिटी के इस साइड आ रहे हैं। ये बोल के उइंग ऑकवर्डली हंसता रहा, बट उसे पता है कि लांगवांग जी उसको पहले से ही जानता है एंड वो उसको बाहर से देखता था। एक्चुअली वो जानता नहीं है बट वो श्योर है। लंजा ने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ खिड़की के बाहर देख रहा था। तभी उइंग सोचा कि अब उसे बाहर जाना चाहिए कार से। उसने कहा, ठीक है तो फिर मैं जाता हूँ। देन वो अपना सीट बेल्ट खोलने लगा। तभी लंजा ने सिर्फ नोट किया। ये देख के उइंग को बहुत ही हर्ट फील हुआ। वो गुड नाइट किस का तो आशा नहीं करता बट इस तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट की भी वो आशा नहीं करता। ये नहीं था कि लंजा ने उसको यूज किया है बल्कि उइंग ने उसको यूज किया है, बट फिर भी उसको बहुत ही हार्ट फील हो रहा था। लंजा के साइलेंस उसको बहुत ही इफेक्ट कर रहा था। उसने कहा, गुड नाइट देन। देन वो कार से नीचे उतर गया। तभी लंजा ने कहा, गुड नाइट उइंग। ये बोल के उसने कार के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। इससे पहले उइंग फिर से वापस जाता है एंड उससे पूछता कि क्या हुआ है। लंजा ने कार को स्टार्ट किया और वहाँ से चला गया एंड उइंग वहाँ पर ही खड़ा रहा, अलोन एंड कन्फ्यूज्ड। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? पता नहीं लंजा को फिर से क्या हो गया है, अब तक तो ठीक ठाक ही चल रहा था। देखते हैं आएगा पार्ट में। आई एम रियली सॉरी गाइस कि आज का पार्ट में इतना प्रॉब्लम्स हो गया था। पता नहीं क्या हुआ है मेरे मोबाइल को या फिर एडिटिंग ऐप को कि जब मैं एडिट कर रही हूँ तो ठीक ठाक होता है और जब मैं पोस्ट कर रही हूँ या फिर डाउनलोड करती हूँ एडिट करने के बाद तब वो एकदम बिगड़ जाता है। आई डोंट नो इसको मैं क्या करूँ। तो मैं इसलिए फिर से इसको बनाया है मैंने, मतलब पुराने को ही फिर से मैंने कुछ एडिट कर दिया है उसके ऊपर एंड फिर मैं पोस्ट कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर टुडेज मिस। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आई एम रियली सॉरी, इस दीदी को माफ़ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।